एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक से मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद। मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी साथ में मौजूद। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता बैठक में मौजूद हैं। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता मौजूद, साथ ही मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी बैठक में मौजूद। अनिल दत्त सेमवाल हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अनिल, बैठक जारी है और मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, कमल गुप्ता भी बैठक में मौजूद है, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, जरा बताएं कि इस बैठक के बाद जो है विकास का खाका किस प्रकार से निकल के सामने आएगा, कौन कौन सी आप ऐसी चीजें देख पा रहे हैं जिनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर सरकार जो है पूरा करने की कोशिश में है। जी बिल्कुल कायनात, देखिए बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में चर्चा होगी अहम तौर पर शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से विकास की जो गति है उसे और तेजी से बढ़ाया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि अगर मेयर्स और सीनियर डिप्टी मेयर्स को किसी तरीके की परेशानियां आ रही हैं तो उसे किस तरीके से हल किया जा सकता है और किस तरीके से इसमें रास्ता निकाला जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के साथ साथ शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं और इससे पहले भी एक बैठक इसी तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से चंडीगढ़ हरियाणा निवास में ली गई थी। उसमें भी मेयर्स और सीनियर डिप्टी मेयर्स मौजूद थे, उसमें भी कई मुद्दे जो है वो रखे गए थे मेयर्स की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा गया था कि इन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ा जाएगा। आज ये देखना होगा कि उस पर आदेश देने के बाद अधिकारी उसमें कितना आगे बढ़े हैं और मेयर्स जो हैं वो उनकी किस तरीके की डिमांड्स यहाँ पर हैं और किस तरीके के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आज की बैठक में दिए जाते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है और उससे पहले लोकसभा का चुनाव होगा, यानी लोकसभा के चुनाव के समय में भी चुनाव आचार संहिता लगेगी, उस समय भी विकास के कार्य जो है वो रुकेंगे। तो ऐसे में जो समय अभी सरकार के पास मौजूद है चुनाव से पहले का, उसमें किस तरीके से जो तमाम विकास के कार्य हैं या घोषणाएं हैं उन्हें समय पर पूरा किया जा सकता है, इस पर विशेष तौर पर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। बिल्कुल अनिल, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी स्थानीय निकाय की ये बैठक हो रही है स्थानीय विभाग की, तो शहरी क्षेत्रों की जो बुनियादी मांगे हैं, जरूरतें हैं वो क्या हैं और सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं जो अभी कार्यरत हैं या फिर जो लंबित हैं वो किस तरीके से इन मांगों पर जो है खरी उतरती हैं। बिल्कुल, देखिए कायनात, शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं की बात की जाए तो सड़कें किस तरीके से बेहतर हो, स्ट्रीट लाइट किस तरीके से बेहतर हो, हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो अन्य एजेंडे भी है, लेकिन इसमें जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है उसका दखल नहीं रहता है। किस तरीके से जो चीजें शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तहत मेयरों के तहत कंप्लीट की जा सकती हैं उस पर फिलहाल सरकार का फोकस है कि किस तरीके से उन्हें बेहतर तरीके से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है और अगर इसमें किसी तरीके की अड़चने पेश आ रही हैं या इसे और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इस तरीके के सुझाव या कुछ समस्याएं सामने रखी जाती हैं तो उसको भी मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत हल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल।